अच्छा नहीं पहले नहीं इसको जो अपने कंप्यूटर पे जब चलाते हो तो रिजल्ट सही आ रहा है ये देखे, ये देखिए देखिए यहां पे सही आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल 7 6 एक्यूरेट आ रहा है सही है अब मैं गिटअप पे जो मैंने पुश करा हुआ है वो देखिए अभी यहां पे मैं ऐड करता हूं तो अच्छा नहीं एक एक करके देखते हैं ना अभी गिटअप पे जाओ गिटप की रिपॉजिटरी पे जाओ यहां पे एक्शंस में जाओ एक्शंस में जाओ सम टाइम फेल हो जाता है ना ये अच्छा ये तो सही पब्लिश हुआ है टिक लगा हुआ है मतलब सही पब्लिश हुआ है कितनी देर पहले हुआ है एलेवन मिनट हो ठीक है अच्छा अब जरा वो जाओ उस लिंक पे जाओ हो गया सर मेरे से वो वो थोड़ा टाइम क्या मैं ऐड कर रहा रहा हूं ठीक है सही हो गया? बस वो हो बस नहीं रहा था तो मैंने कहा पूछ लूं दो तीन दफा मतलब अच्छा देखो बता रहा हूं मैं एक तो पहले गिटहब की रिपॉजिटरी में देख लिया करो कि एक्शन सम टाइम ना फेल हो जाता है तो थी? अगर एक्शन फेल होगा तो वो पहले वाला जो डिप्लॉय है वही घूमता रहेगा सही है अच्छा दूसरा ये कि अगर एक्शन फेल नहीं होता है एक्शन सही है और फिर भी आपकी वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही तो जाओ वेबसाइट पे जाओ जरा ये आप अच्छा यहाँ पे ना इसको कैसे क्लियर करना पड़ता है क्योंकि गूगल क्रोम सम टाइम ना पुराना वाला याद कर लेता है इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलो ठीक है अच्छा अब जाओ रिफ्रेश के बटन के ऊपर राइट क्लिक करो रिफ्रेश के बटन यहाँ पर हाँ और लास्ट वाला सेलेक्ट करो ठीक है इससे क्या होता है ये सारी पुरानी बातें भूल जाता है और नए सिरे से पेज को लोड करता है अच्छा ये जब तक इंस्पेक्ट एलिमेंट खुला हुआ नहीं होगा ना राइट क्लिक से वो ऑप्शन शो नहीं करेगा ठीक है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट जब खुला हुआ होगा जब भी वो ऑप्शन आते हैं एडिशनल क्योंकि वो ऑप्शन डेवलपर्स के लिए हैं स्पेशल ना आम लोगों के लिए नहीं है वो ठीक है सर बस ये मैंने यही कंदिजन थी आप पूछते हाँ सही है ओके थैंक सर अच्छा यार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ का कोड आ चुका है मेरे पास ये असाइनमेंट आपने भेजा है चलो देख लेता हूँ इसको यू पेज सोर्स एप डॉट जी एस ठीक है यार मैप से आपने चलाया वेल्डन सही है ज़बरदस्त फंक्शन सही है आपने भी एरे डॉट मैप से किया वेल डन यार अच्छा ये एरे डॉट मैप जो हमने लास्ट पढ़ा था ये आपने क्योंकि हाथ से कोड लिख लिया तो आ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा आ, कोई अगर क्वेश्चन है स्टिल आपका एरे डॉट मैप से मुत तो वो आप आ, पूछ सकते हैं अदरवाइज फिर हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे कर ले सर अच्छा हमारे आउटलाइन में Uh, हमने फॉर लूप पढ़ लिया है हमने मैप पढ़ लिया है और आज हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट ठीक है एरे हमने मैप मैप uh, के साथ साथ और फॉर लूप के साथ साथ एरे पढ़ लिया था एक लास्ट हमारा डेटा टाइप रह रहेगी ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके बाद हमारी एक लास्ट चीज़ रह जाएगी ई एस सिक्स के फंक्शंस ठीक है तो ई एस सिक्स के फंक्शन करके फिर हमारा जावा स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे फिर हम मूव uh, करेंगे सर्वर की तरफ और डेटाबेस की तरफ इंशाल्लाह अच्छा तो हम एक नया फोल्डर इसके लिए बना लेते हैं इसका नाम हम रखते हैं सेवनटीन ई एस एक्स ऑब्जेक्ट सही है या इसको प्यार से जेसन भी कहते हैं सही है जो जेसन होता है ना जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ये जे फॉर जावा एस फॉर स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने का जो तरीका है ना दैट इज़ कॉल्ड जेसन ठीक है और जेसन एक ऐसी एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो जिसको तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट किया जाता है ठीक है कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो जेसन को सपोर्ट मतलब अगर वो ऑफिशियली सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो लोगों ने लाइब्रेरीज़ लिख दी हैं उसके सपोर्ट के लिए ठीक है तो चाहे वो आई ओ एस हो स्विफ्ट हो आईफोन के लिए जो है या कॉटलिन हो एंड्रॉइड के लिए या सी शार्प हो या सी प्लस प्लस हो सब में जो है ना ये ऑब्जेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं अच्छा और वो ऐसा क्यों है ये इंशाल्लाह जब हम सर्वर की तरफ मूव करेंगे ना तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट ए पी आई पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि जेसन की इतनी वैल्यू क्यों है आ, इस वक्त अच्छा इसमें मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ ई एस सिक्स ऑब्जेक्ट्स अच्छा मैं सिर्फ आ, मैं जावे स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखता मैं ई एस सिक्स क्यों लिखता हूँ ये भी एक आ, बात है अभी मेरे जहन में आ गई तो देखें पहली बात तो ना जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नेम है ना अब वो वो है एक्मा सही है एक्मा स्क्रिप्ट अब इसका नाम है अच्छा एक्मा स्क्रिप्ट इसका नाम होने का रीज़न क्या है वो रीज़न ये है कि जो नाम था ना जावा स्क्रिप्ट जो जाहिर है पहले इसका नाम था शुरू में जावा स्क्रिप्ट ठीक है ये इसका नाम था तो ये जो नाम है ना ये नाम ओन करता है ओरेकल ठीक है या सन माइक्रोसिस्टम इसका पुराना नाम था ठीक है सन माइक्रो सिस्टम इसका नाम था तो ये सन माइक्रो सिस्टम जो है ये कंपनी है ये औरकल और ये जावा की जो प्रोग्रामिंग एक जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाई सही है ना ये तो सब लोगों को पता है जावा स्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सही है जावा स्क्रिप्ट और जावा का आपस में कोई लेना देना नहीं है ठीक है समटाइम ऐसा लगता है लोगों को कि जावा से इसका कोई ताल्लुक है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जावा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जैसे सी प्लस प्लस और स्विफ्ट uh, या सी प्लस प्लस और सी शार्प दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसी तरह जावा और जावा स्क्रिफ्ट दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन क्योंकि उनकी जावा जो है ना वो बहुत पहले से उन उन्होंने ये नाम अपना रखा हुआ था जावा तो उन्होंने ना इस पर कर दिया केस उन्होंने बोला यार ये या आपने जो जावा लिखा हुआ है ना अपने नाम के अंदर ये तो हमारा पेटेंट है तो आप हमें पैसे दोगे सही है तो इन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है हम पैसे तो नहीं देंगे तो फिर उन्होंने कहा भाई पैसे नहीं दोगे तो अपना नाम आप कर लो चेंज तो जावा इसक्रिप्ट का नाम जो है ना ऑफिशियली चेंज करके एक्मा इसक्रिप्ट रख दिया गया ठीक है और लेकिन अभी भी आप अगर जो आप बुक्स वगैरह सर्च करेंगे ना तो बुक में एक्मा स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ होता बुक में लिखा होता है जावा स्क्रिप्ट ठीक है जितनी भी बुक्स अभी आप रिसेंट बुक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो वो हो गई कि भाई जावा स्क्रिप्ट की बुक है ये सही है लर्निंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच ऐसे करके नाम होगा उसका तो ऑफिशियल नाम लेकिन इसका क्या हो चुका है एक्मा स्क्रिप्ट हो चुका है अच्छा और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ई एस सिक्स सही है जो लेटेस्ट वर्जन है एक्मा स्क्रिप्ट का वो है ई एस सिक्स अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा ना कि जावे स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट तो वो वैसे तो सही है लेकिन क्योंकि अब इसको ना लोग आहिस्ता आहिस्ता अब ई एस सिक्स बोलना शुरू हो गए अब जावा स्क्रिप्ट नहीं बोलता कोई अब लोग ई एस सिक्स बोलते हैं उसको ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए अभी आ... अब शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तो अभी होगा क्या मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स और कल को आपका इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपसे पूछेगा यार आपको ई एस सिक्स आती है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार जो मैंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है क्या वो लेटेस्ट वाली ई एस सिक्स है या नहीं है ठीक है तो इस वजह से मैं बजाय जावा लिखने के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एस सिक्स ताकि आपको एक्जैक्टली exactly पता हो कि यार हम ई एस सिक्स पढ़ रहे हैं जो लेटेस्ट वाली जावा स्क्रिप्ट है हम वो पढ़ रहे हैं ठीक है तो ये थोड़ी सी एक बात थी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया ताकि आपको ना ये ये क्लियर हो जाए ताकि चीज़ें ना आपको मतलब बाद में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे अच्छा इसमें ये असल में ऐसा वाला कॉमेंट तो यहाँ पर होता है ना स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ठीक है तो मैं इसको इधर मेंशन कर देता हूँ अच्छा अब हम ज़रा देख लेते हैं कि जो ई में जो ऑब्जेक्ट्स को लिखा जाता है अच्छा ई में आ, जो ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका है वो उसमें कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने जो पहले वर्जन में था यानी ई में जो तरीका था वो ही है अच्छा तो हम लिखेंगे लेट ठीक है और लेट के बाद मैं लिखूँगा कि भाई स्टूडेंट ठीक है कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं ये ये असल में एक वेरिएबल बन रहा है राइट जैसे एरे भी जब हम बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसको वेरिएबल में सेव करते हैं तो ये वेरिएबल बन रहा है अच्छा लेट जो है वो ई एस सिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया है ठीक है इससे पहले हम इसमें लिखते थे वार लेकिन अभी वार लिखने की अब ज़रूरत नहीं अब आप लिखेंगे नया वाला लेट तो लेट स्टूडेंट ठीक है ये लेट ई एस सिक्स का है अच्छा उसके बाद ये यहाँ वाले पार्ट में ना कोई चेंजेस नहीं किए इन्होंने सही तो है ये 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 एस सिक्स में ई एस फाइव में भी इसी तरह ही था ये ठीक है तो मैं असल में इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ई एस सिक्स में कोई चेंजेस तो हुए नहीं है लेकिन स्टिल मैं ई एस सिक्स ऑब्जेक्ट्स क्यों लिख रहा हूँ तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि हम नया वाला जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं हम पुरानी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रहे तो आपसे अगर कोई पूछे कि यार आपको नई वाली ई एस सिक्स आती है तो आप धड़ले से बोलेंगे कि हाँ मुझे आती है अच्छा तो जब हम एरे बनाते थे तो आपने देखा था हम एरे में क्या करते थे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे राइट और उसके बाद फिर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसमें देते चले जाते थे सही है ऐसे हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देते चले जाते थे तो ये क्या बन गया एरे अच्छा एरे के नाम के साथ एस लगता है राइट तो मैं ये ये एक एरे बन गया सही है इसको मैं अब रोक देता हूँ अब इसी चीज़ को मैं क्या बनाता हूँ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आ, ऑब्जेक्ट बनाता तो उसमें क्या डिफरेंस होता तो मेरे पास स्टूडेंट नहीं बनाते हम कुछ और बना लेते हैं हम यूज़र सही है यूज़र और अब मैं बनाऊँगा ऐसे वाला ब्रैकेट सही है ऐसे वाला ब्रैकेट बनाऊँगा मैं और ऐसे वाले ब्रैकेट में अब देखो इसमें क्या होता था, था ना कि एक सीक्वेंस से सिर्फ वैल्यूज़ होती थी सही है लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर का मतलब कि जैसे अब यूज़र का ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा पॉसिबली इसमें होगा नेम इक्वल्स टू जॉन राइट और इसका ईमेल ये हो सकता है ठीक है थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ज़्यादा ज़ूम इन कर दिया मैंने सही है अच्छा इसको मैं लाइन इसकी चेंज भी कर सकता हूँ राइट लाइन अगर मैं इसकी चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर ये मल्टीपल लाइंस में चला जाता है तो चलिए ये मैंने क्या कर दिया लाइन इसको इसको तीन लाइन में कर दिया राइट क्योंकि एरे तो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं लेकिन एरे में भी मैं चाहूँ तो लाइन को चेंज कर सकता हूँ अगर वो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाए तो अच्छा तो अब आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ना यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ की और उसके बाद लिखता हूँ साथ में उसकी वैल्यू ठीक है फिर की लिखता हूँ फिर वैल्यू लिखता हूँ सही है फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर रोल नंबर सही है मैंने कहा वन टवेंटी थ्री सही है एज थर्टी सही है रोल स्टूडेंट um, सही है इस तरह जो भी डिटेल्स हो सकती हैं इसकी वो मैं लिखूंगा इज एक्टिव सही है सस्पेंड भी किया जा सकता है इज एक्टिव ट्रू सही है मेजर <coughs> साइंस सही है इस तरह की कोई भी डिटेल जो यूज़र इस यूज़र के बारे में है वो हो सकती है यहाँ पर ठीक है तो अब आपने नोट किया कि अगर यही चीज़ मैं एरे में लिख रहा होता तो मैं क्या करता मैं इसको वैल्यूज़ लिख रहा होता सिर्फ मैं लिखता यहाँ पर भाई जॉन सही है कॉमा आ, इसका ई एड्रेस उसके बाद सही है उसके बाद वन मैं इस तरह करके लिख रहा होता ऑबियसली फिर मैं लिखता थर्टी और फिर मैं लिखता स्टूडेंट uh, सही है अच्छा ये मैं कहीं पे सिंगल कोटेशन लगा रहा हूँ कहीं पे डबल कोटेशन लगा रहा हूँ बोथ आर फाइन राइट बट आजकल कल uh, ऐसा मैं देख रहा हूँ कम्यूनिटीज़ uh, में कि लोग सिंगल कोटेशन को ना बोलते हैं सिंगल कोटेशन लगाओ सही है उसके कुछ बेनिफिट्स बताते हैं वो लेकिन डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन इज एक्चुअली सेम इन जावा ना जैसे सी प्लस प्लस मैंने पढ़ी है मेरी सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो सी थी ना तो सी में क्या होता है कि सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है ठीक है लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है जावा स्क्रिप्ट में आप सिंगल कोटेशन से लिखोगे तो वो भी स्ट्रिंग है और डबल कोटेशन से लिखोगे तो वो भी स्ट्रिंग है ठीक है सही है तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देता चला जा रहा हूँ ये एरे में राइट तो इसके बाद मैंने लिखा ट्रू उसके बाद मैंने लिखा साइंस ठीक है तो ये चीज़ मैंने एरे में इस तरह करके लिख दी अब एरे को मैं एक्सेस कैसे करता था अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो एरे को मैं एक्सेस इस तरह करता था कि मैं लिखता था स्टूडेंट्स uh, राइट right? उसके बाद अच्छा uh, मेरे पास पावर फेलियर है तो मैं ज़रा कैमरा अपना बंद कर दूँ <laughs> क्योंकि मैं बहुत ही बुरा दिख रहा हूँ कैमरे में अच्छा तो आ, मैं लिखता था ऐसे करके स्टूडेंट्स और उसके बाद मैं जो भी मुझे वैल्यू गेट करनी होती थी उसका मैं इंडेक्स लिख देता था कि भाई जीरो करनी है वन करनी है टू करनी है वैल ठीक है तो ये मतलब अब हमारे पास क्या है अब हमारे पास की और वैल्यू का पेयर है अच्छा मैंने उस, औ, उस एरे को मैंने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि एरे में ना असल में थोड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ों को स्टोर किया जाता है ठीक है और हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ स्टोर की जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की चीज़ स्टोर की जाती है ठीक है ये हम शाला अभी जब ऑब्जेक्ट का भी टॉपिक कम्प्लीट होगा ना तो आपको खुद से रियलाइज़ हो जाएगा ये कि मतलब कौन से तरह का डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट में रखूँगा मैं और कौन सी तरह का डेटा मैं एरे में रखूँगा ठीक है यानी जब हम एरे पढ़ रहे थे तो हमने एग्जाम्पल देखी थी कि अच्छा यार मेरे पास ना टेम्परेचर मिलता है मुझे आवरली टेम्परेचर मिलता है तो उस तरह का डेटा एरे में रखा जाएगा ठीक है लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई यूज़र साइनअप होता है ठीक है तो ये यूज़र साइनअप हुआ है ये ठीक है यूज़र ने ये सारी डिटेल दिए साइनअप होते हुए तो आ, इस तरह का डेटा जो है मैं ऑब्जेक्ट के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ एरे में उसको मैं नहीं रखने की कोशिश करता ठीक है अच्छा तो ये मैंने एक एक ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया बिल्ड कर लिया एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया बना लिया अच्छा कौन आप में से मुझे ये बता सकता है कि हमने वो वाला टॉपिक पढ़ा था ना कि मेमोरी में डेटा कैसे सेव होता है वो हमने पढ़ा है अभी तक ये नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा आई थिंक सर अच्छा अच्छा तो वेल फिर हम इसको हमने रीड करना सीख लेते हैं ठीक है ये भी एक डिस्कशन है कि ना अब ये मेमोरी में कितनी जगह लेता होगा वैसे आमतौर पर ये वाला टॉपिक कवर नहीं किया जाता किसी भी जगह नहीं किया जाता कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो मेमोरी में क्या जगह लेते हैं ये किसी भी जगह पे कवर नहीं किया जाता आ, आ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये डेटा आपको पता हो ना तो आ, थोड़ा सा आपको ना आसानी रहती है तो मैं आपको एक काम करता हूँ मैं आपको ना एक वीडियो दिखा देता हूँ एक वीडियो का मैं आपको लिंक दे देता हूँ उसका नाम है हैव यू एवर वंडर्ड सही है तो मैं जाऊँगा यूट्यूब डॉट कॉम पे उसके बाद मैं जाऊँगा अपने चैनल पे सही है जी और इस चैनल में कैसे सर्च होगा यहाँ पे से होगा शायद हैव यू एवर ठीक है तो अब आप देखेंगे ये वाला जो है ना जो है ना हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वेरिएबल गेट सेव्ड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वन ठीक है कि कंप्यूटर में ये डेटा कैसे होता है ठीक है एक मैंने ये दो जगह अलग अलग लेक्चर दिए हैं तो वो दोनों ही रिसर्च में आ गए ठीक है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्ट्रिंग वेरिएबल सेव इन मेमोरी ठीक है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वेरिएबल गेट स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी ठीक है तो ये तीन लेक्चर्स आ, आ, आ गए हैं राइट तो अच्छा ये तीन अच्छा मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं ना वो क्या होती हैं किसी ना किसी प्लेलिस्ट का वो पार्ट होती है ठीक है तो ये नंबर इसके साथ लिखा हुआ है इसका मतलब है ये किसी प्लेलिस्ट का पार्ट है तो एक में लिखा हुआ है, है टेन और एक है टेन और एलेवन ठीक है तो एक जगह पे कहीं पे मैंने मतलब सिंगल लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था एक जगह पे कहीं मैंने दो लेक्चर्स में कवर किया था तो वो दोनों आ रहे हैं ठीक है तो आपने क्या करना है जाके प्ले में जाके उसको तलाश करना है कि भाई वो कौन सी प्ले लिस्ट में आ, मिसाल के तौर पर एक बैज एड करके एक प्ले आ रही होगी मेरे पास आ, ये रहा। बैज एड करके एक प्लेलिस्ट है तो इसके अंदर वो वीडियो होगी हैव यू एवर वंडर्ड वाली अगर मैं यहाँ पे वो कौन सा था टेन और अलेवन था ना नहीं इसमें तो नहीं है वेल well, वो किसी ना किसी प्लेलिस्ट में होगी हावर सर कुछ प्लेलिस्ट प्राइवेट भी हो सकती है मेरी अब दिखे नहीं नहीं वो पब्लिक है वो ये चैट बॉर्ड सेक्शन ए वाले में ज़रा मैं देखता हूँ इसमें होगी शायद वो हाँ ये रहा टेन और एलेवन हैव यू एवर वंडर्ड ना लिखा हुआ जो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्ट्रिंग वेरिएबल गेट सेव्ड यू एवर वंडर्ड हाउ वेरिएबल गेट तो ये दो ये दो हिस्सों में मैंने लेक्चर कवर किया है इस आ, क्लास में ना तो मेरा ख्याल है आप ना इसी वीडियो को देख लीजिएगा ये वीडियो बेस्ट रहेगी बजाय इसके कि मैं यहाँ पे क्लास में कवर करूँ तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा ठीक है अच्छा तो एक दो वीडियो तो हमें यहाँ पे मिल गई और एक और भी मैंने किसी क्लास में ये कवर किया वो है वो भी पब्लिक है वो भी पब्लिक है मेरा ख्याल है ये बारे बेज एड वाले में मैंने किया है ये टॉपिक कवर ना अच्छा एक ये भी है ए आई एंड वॉइस एप्लीकेशन कोर्स ना इसमें भी मैंने ये टॉपिक कवर किया है ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स था लेकिन इसकी जो जावास्क्रिप्ट वाली तमाम वीडियोज़ ना वो मैंने पब्लिक की हुई हैं इसमें भी अब पता नहीं किस नाम से है, वो जहन में नहीं है इसको एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन से वाले में पार्ट में वो कवर हुआ हुआ है इसमें ना एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा ये रहा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट ये इस वीडियो में वो टॉपिक वो वाली बात ना सारी कवर हुई हुई है कि कैसे वेरिएबल में सेव होता है कैसे वेरिएबल जाके ना मेमोरी के अंदर सेव होता है ठीक है तो ये वाला ये जावा स्क्रिप्ट तक का जो पार्ट है ना इसका फॉर लूप लॉजिकल ऑपरेटर ये इसका ना पब्लिक है बाकी उसके बाद जो है वो जहाँ से ये नॉट जी वगैरह शुरू हुआ है और रेस्ट ए शुरू हुई है वो फिर आगे जो है प्राइवेट है वेल तो ये मैंने इस क्लास में ये टॉपिक कवर तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको मैंने एक रेफ़रेंस दे दिया तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा अच्छा तो वेल uh, well, अब ये हमने ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया है अब इस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को रीड कैसे करेंगे वो हम जरा देख लेते हैं अच्छा एरे को हम कैसे रीड करते थे कि भाई एरे का नाम जो था वो लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स टाइप करते थे तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा मैं लिखूँगा यूज़र ठीक है और मैं लगाऊंगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट सही है बिल्कुल एरे की तरह रीड होता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा लेकिन अभी मैं इसके अंदर ज़ीरो वन या टू नहीं लिखूंगा ठीक है क्यों कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ना सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसकी की का नाम लिखूंगा पूरा सही है तो मैंने अगर ये ये जॉन गेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा यूज़र और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में एक ही बात है ऐसे करके मैं नेम लिख दूँगा तो इस तरह के लिखने से मुझे क्या मिल जाएगा जॉन मिल जाएगा ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि यूज़र का मुझे नेम चाहिए ठीक है फिर इसी तरह अगर मुझे इसको मैं प्रिंट भी कराता जाता हूँ साथ सही है मैंने कहा भाई यूज़र का मुझे क्या चाहिए नेम चाहिए अच्छा इसी तरीके से मैं क्या सकता हूं? यूजर कर सकता हूँ यूज़र का फिर ई मेल कर सकता हूँ सही है यूज़र का मैं रोल नंबर गेट कर सकता हूँ यूज़र की मैं एज गेट कर सकता हूँ राइट right? यूज़र का रोल गेट कर सकता हूँ ठीक है तो मेरे ख्याल ये आ, हमने तकरीबन शुरू की कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है जो ऑब्जेक्ट को तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रीड करना सीख लिया है इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं क्या वैसा ही है मैंने कहा कि कॉपी पात ठीक है और कॉपी पात करने के बाद मैं ब्राउज़र पे आया इसको पेस्ट किया और पेस्ट करके मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आप देखें ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं ठीक है जी तमाम वैल्यू प्रिंट हो गई मैंने एक दो तीन चार पाँच वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। एक दो तीन चार पाँच वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है और ये दो लास्ट वाली इसको मैंने प्रिंट अभी फ़िलहाल नहीं करवाया ठीक है।, है अच्छा इसके अंदर ना इसको रीड करने में औरिजनली तो इसको रीड करने का तरीका यही है लेकिन इसको रीड करने का एक तरीका और भी है दैट इज़ कॉल्ड डॉट नोटेशन ठीक है डॉट नोटेशन इसके अंदर एक आ, आपकी कन्वीनियंस के लिए इसमें रखा गया है तो मैं अब ये जो लास्ट वाली दो है ना इसको मैं क्या करता हूँ डॉट नोटेशन के ज़रिए इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ ठीक है तो मैं डॉट नोटेशन में क्या करूँगा ये स्क्वायर ब्रैकेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं कहूँगा डॉट इज़ एक्टिव ठीक है यूज़र डॉट इज एक्टिव ठीक है तो ये वाला तरीका भी सही है और ये एक एडिशनल तरीका है जो आपको प्रोवाइड किया गया है ठीक है शुरू में शायद ये वाला तरीका नहीं था जावास में यह बाद में ऐड किया गया आई आई गेस सही है उसके बाद मैं क्या करता हूँ ये लास्ट वाला जो दो है ना इसको मैं ऐसे करके कर लेता हूँ सही है तो मैंने इज एक्टिव और मेजर को भी प्रिंट करवा दिया जिसमें ट्रू और साइंस प्रिंट होना चाहिए तो देखते हैं कि यह भी सही तरह प्रिंट होता है नहीं होता ठीक है ट्रू और साइंस यहाँ पे प्रिंट हो गया तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को रीड करने ये वाला भी तरीक़ा सही है और ये वाला भी तरीका सही है अच्छा अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा मैं बिल्कुल इसी तरह से करूँगा जैसे मैं इसको रीड करता हूँ ऑब्जेक्ट तो को अगर मैंने नेम को चेंज करना है तो मैं क्या लिखूँगा मैं कहूँगा यूज़र का नाम इक्वल्स टू और मलिक राइट right? तो ये नेम जो है अब चेंज हो गया अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँगा मैं पूरे को ऐसे कॉपी करता हूँ और नीचे लाके क्या कर देता हूँ इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ठीक है और यहाँ पे कॉन्सोल और भी मैं ऐड कर देता हूँ कि भाई आ, आफ्टर चेंजेस, आफ्टर चेंज सही है राइट कि मैं पहले इसको यहाँ पे पहले एज एजडस प्रिंट करता हूँ फिर कुछ चेंजेस करता हूँ इसके अंदर और फिर चेंज करने के बाद इस पूरे को दोबारा से प्रिंट करता हूँ मैं तो आप ये नोट कीजिएगा जो जो चीज़ें मैंने चेंज की होंगी वो वो चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे वहाँ पे चेंज हुई भी नज़र आएगी इस इस वाले पोर्शन में ठीक है तो मैंने नेम को चेंज करके मलिक कर दिया तो अब यहाँ पर मलिक प्रिंट होगा जबकि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा जॉन प्रिंट होगा राइट अब ज़रा आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ये जो है वो पहला वाला पार्ट है और आफ्टर चेंज जो है वो ये वाला पार्ट है तो इसमें आप देखें नेम जो है वो चेंज हो चुका है पहले जॉन था अब ये मलिक हो चुका है इस तरह मैं कोई भी वैल्यू चाहूँ तो मैं इस तरह करके यहाँ पे से चेंज कर सकता हूँ मैंने कहा भाई ई को क्या कर दो चेंज करके मलिकट डॉट कॉम ठीक है मैंने ई को चेंज कर दिया अब मैं इधर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें पहले ईमेल कुछ और थी और अब कुछ और हो चुकी है तो इस तरह करके मैं किसी भी फील्ड को चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ अच्छा जैसे कि रीड करते हुए मेरे पास डॉट नोटेशन इस वक्त मौजूद है इसी तरीके से मेरे पास मॉडिफाई करते हुए भी ना मैं डॉट नोटेशन के ज़रिए भी मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ तो मैं उसको इस एक्टिव को फॉल्स कर देता हूँ यानी कि इस स्टूडेंट को मैंने सस्पेंड कर दिया ठीक है उसके अलावा मैं क्या कहता हूँ जो रोल नंबर है इसका वो भी अपडेट करने जा रहा हूँ मैं मैंने कहा कि यूजर डॉट रोल नंबर होगा ना यूजर रोल नंबर को मैं करने जा रहा हूँ इसके पहले क्या था रोल नंबर इसका वन ट्वेंटी थ्री था ना मैंने कहा यार नहीं वन ट्वेंटी थ्री नहीं है इसका रोल नंबर फाइव है सही है तो मैंने इसका क्या कर दिया रोल नंबर और इज एक्टिव जो मैंने चेंज किया है वो मैंने डॉट नोटेशन के ज़रिए चेंज किया तो इस तरह भी चेंज ये हो जाता है अच्छा तो देखते हैं चल के कि ये वाकई चेंज हो गया कि नहीं हो गया ये पहले वाला डेटा है और ये उसके बाद वाला डेटा है तो इसमें आप नोट करेंगे रॉल नंबर इसका फ़ाइव हो चुका है और इसका जो और क्या चेंज किया था मैंने इज इज़क्टिव हाँ एक्टिव जो है ये फॉल्स हो चुका है जो कि पहले ट्रू हुआ करता था ठीक है जी तो हमने क्या सीख लिया अभी तक हमने एक ऑब्जेक्ट को बनाना सीख लिया और उसके बाद उसको हमने रीड करना सीख लिया उसके बाद हमने उसको मॉडिफ़ाई करना सीख लिया ठीक है यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन जी प्लीज पहले आप पूछ ले सर। हानिया आ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो कोड प्रिंट किया है वो तो आपने कंसोल पे करवाया है हाँ लेकिन हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए कौन सा कोड रखना होगा स्क्रीन पे बिल्कुल उसी तरह प्रिंट होगा मैं यहां पे एक बना लेता हूं पैराग्राफ ठीक है इसको मैं आईडी दे देता हूं कोई भी आईडी मैं इसको अह um क्या दऊं पैरा दे देता हूँ इसको मैं ठीक है आई डी इसकी पैरा है अच्छा और मैं आके यहाँ पे कंसोल पे जो मैंने प्रिंट करवाया है इसी की जगह में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके और मैं हैश पैरा डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू और मैं कहता हूँ कि यूज़र का जो नाम है ना वो प्रिंट करवा दूँ तो यूज़र का नाम मैंने प्रिंट करवा दिया राइट तो अब देखते हैं इसको मैंने कट किया इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये नाम यूज़र का जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो गया सही है तो जिस तरह मैं कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ सेम उसी तरीके से स्क्रीन पे भी ये प्रिंट करवाया जा सकता है सही है अच्छा मैंने इसको मॉडिफाई करने से पहले प्रिंट किया था तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो रहा है अगर मैं यही काम जो क्या करूँगा मॉडिफ़ाई करने के बाद दोबारा करूँगा अगर अच्छा इसमें मुझे प्लस इक्वल्स लगाना होगा वरना वो पुराने वाले को उड़ा देगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा पहले जॉन प्रिंट होगा उसके बाद मलिक प्रिंट होगा ठीक है अगर मैं चाहता हूँ लाइन चेंज करूँ तो फिर मुझे बी आर वगैरह भी उसमें करना पड़ेगा जो आप लोग पहले से ही जानते हैं जी अब आप क्वेश्चन पूछ लें, दूसरे जो दोस्त पूछ रहे थे कोई और भी कुछ पूछना चाह रहा था अकाल मैं कह रहा था क्या कह रहे थे अच्छा तुम्हारा भी क्वेश्चन का आंसर हो गया इसमें सही है गुड अच्छा जी तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है अच्छा अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना एक हम चीज़ करने जा रहे हैं जो हमने आई थिंक एरे में भी किया था एरे वाला कोड ज़रा एक दफ़ा देख लूँ मैं वहाँ पे ये किया था मैंने ये नहीं किया था किया वाले में वो सही है तो मैं एरे और ऑब्जेक्ट दोनों का बता देता हूँ अभी हाथ के हाथ बल्कि फिर इसके लिए ना मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ एक अलग फाइल में मैं ये काम कर लेता हूँ ठीक है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे ये हो चुका है सही है अब एक एडिशनल चीज़ न, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सही है एरे और ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कैसे होती है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अच्छा अभी क्लोनिंग का क्या चक्कर है अच्छा इसमें भी मैं ES6 का इजाफा कर दूं क्योंकि ये भी हम ES6 वाले तरीके से करने जा रहे हैं अच्छा तो पहले हम एरे का देख लेते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का देख लेंगे क्योंकि क्लोनिंग ना दोनों में हमें ज़रूरत पड़ती है देखें मैंने एक एरे बनाया लेट numbers इक्वल्स टू और मैंने कुछ इस तरह से ये बना दिया सही है अच्छा अब मुझे क्या करना है इस नंबर की ना कॉपी बनानी है सही है इस नंबर की अगर मुझे कॉपी बनानी है तो मैं क्या करूँगा मैंने कहा लेट नंबर्स कॉपी इक्वल्स टू नंबर्स राइट इसी तरह बनाऊँगा मैं नंबर्स की कॉपी बनाऊँगा मैं अच्छा अब होगा क्या कि जब मैं इस नंबर्स की कापी बनाऊँगा ना तो इसमें होगा ये कि ये इंडिपेंडेंट कापी नहीं बनेगी सही है अच्छा अब इसको अब देख लेते हैं ज़रा प्रूव करके देखते हैं अब इस नंबर्स के अंदर ना मैं कुछ पुश करता हूँ एडिशनल डेटा पुश करता हूँ मैंने कहा नंबर्स डॉट पुश और नंबर्स डॉट पुश में मैंने कहा कि भाई नाइन हंड्रेड एक वैल्यू है उसको पुश कर दो यहाँ पे तो इसमें नंबर में इस वक्त चार वैल्यू थी तो एक पाँचवीं वैल्यू पुश हो जानी चाहिए ठीक है जी तो हम इसको क्या करते हैं कौनसोल भी करा के देख लेते हैं कि भाई कौनसोल डॉट लॉग नंबर्स नंबर्स ठीक है और इसकी कॉपी को भी मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ नंबर्स कॉपी ठीक है और एक मैंने प्रिंट यहाँ पे करवाया एक प्रिंट इसको मैं ऊपर भी करवा देता हूँ तो अभी सेटअप कुछ इस तरह का है कि मैंने एक एरे बनाया और उसकी एक कॉपी बनाई और एरे को भी प्रिंट करवा दिया कॉपी को भी प्रिंट करवा दिया ठीक है दोनों चीज़ों को प्रिंट करवा दिया उसके बाद मैंने ओरिजिनल एरे में कॉपी में नहीं ओरिजिनल एरे में कुछ चेंजेस किए ठीक है और उसके बाद मैंने ओरिजिनल एरे और उसकी कॉपी दोनों को प्रिंट करवाया तो आप ये देखेंगे कि जब मैं ओरिजिनल एरे में कुछ पुश करता हूँ तो असूलन जो आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि सिर्फ ओरिजिनल एरे में ही चेंज आना चाहिए लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि कॉपी में भी चेंज आ जाएगा सही है औरिजिनल एरे के साथ साथ कॉपी में भी चेंज आ जाएगा तो उसको ज़रा चला देखते हैं अच्छा उसको कॉपी पाथ सही है मैंने रिफ्रेश किया ये देखें ये ओरिजिनल एरे है और ये इसकी कॉपी है शुरू में तो दोनों सही थे लेकिन जैसे ही मैंने चेंज करके ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाया तो इसमें ये वैल्यू आ गई और उसकी कॉपी में भी ये वैल्यू आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी सही है अच्छा लेकिन अच्छा ये काम ना सेम काम अगर मैं ये सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट में होता है एरे और ऑब्जेक्ट के अलावा ये प्रॉब्लम किसी में भी नहीं होता ठीक है अच्छा ऐसा क्यों होता है इसको बाई डिज़ाइन ऐसा रखा गया है सही है अच्छा और भी बहुत सारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें भी इसका बिहेवियर इसी तरह है ठीक है एरे का बिहेवियर जब आप एरे को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी बाई रेफरेंस होता है ठीक है तो ये जो इस तरीके से आप कॉपी कर रहे होते हैं दिस तरीका इज़ कॉल्ड कॉपी बाई रेफरेंस ठीक है तो अब इस कॉपी बाई रेफ़रेंस को आ, हम सही कैसे करें मतलब हम अगर चाहते हैं बाई फोर्स ठीक है हमें आमतौर पर वैसे इस चीज़ की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कि हम बाई फोर्स उसकी हमें कॉपी बनाएं ठीक है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जस्ट इन केस तो मैं ऐसे नहीं करूँगा फिर फिर मैं करूँगा ऐसे एक दूसरा तरीका है ऐसे करके करूँगा मैं ये डॉट 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 डैट सेट सही है तो अब ऐसे करके कॉपी करने से क्या होगा कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉपी बन जाएगी अच्छा ये जो मैंने तीन डॉट यहाँ पे लगाया है दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर और ये ई एस सिक्स से पहले मौजूद नहीं था ठीक है ई एस सिक्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है ठीक है अच्छा ई एस सिक्स से पहले इसको कैसे करते थे वो भी बता देता हूँ मैं अगर ई एस सिक्स से पहले इसको ऐसे करते थे एरे डॉट कॉनकेट सही है सॉरी ऐसे नहीं था एरे डॉट कॉन कैट ऐसे था सही है नंबर्स ठीक है तो ये हो गया ई एस फाइव वाला तरीका तो पहले हम ई एस फाइव वाले तरीक़े को हम टेस्ट करके देखते हैं कि ई एस फाइव वाले तरीके से क्या दोनों में चेंजेस आ जाता है या इंडिपेंडेंट कॉपी बनती है ठीक है इसको मैंने क्लियर किया रिफ्रेश किया तो अब आप देखें ये शुरू में ओरिजिनल एरे और उसकी कॉपी फिर उसके बाद ओरिजिनल एरे और उसकी कॉपी तो आप देखें ओरिजिनल एरे में चेंज किया मैंने तो ओरिजिनल एरे में ही चेंज आया है उसकी कॉपी में चेंज नहीं आया क्योंकि इस बार जो ये कॉपी बनी है दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉपी राइट अच्छा तो ये ई एस फाइव का तरीका था लेकिन हम ई एस सिक्स वाले तरीके से अब किया करेंगे अच्छा एरे को क्लोन करने के कई तरीक़े हैं तकरीबन कोई दस के करीब तरीक़े हैं जिसमें से मैं दो आपको बता रहा हूँ ठीक है और मेरा ख्याल है कि एक तरीका भी आपको पता हो तो दैट इज़ गुड इनफ ठीक है मैं दोबारा से इसको आगे चेक करता हूँ ई एस सिक्स वाले तरीक़े को तो आप इसमें भी देखें औरिजिनल एरे में चेंज आया लेकिन उसकी कॉपी में चेंज नहीं आया बिकॉज दिस कॉपी इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉपी राइट ठीक हो गया जी तो ये हमने ऑब्जेक्ट एरे uh, की क्लोनिंग को हमने ये डिस्कस कर लिया कि एरे को जब आपको क्लोन करना पड़ेगा तो आप इस तरह करके उसको क्लोन करेंगे क्लोनिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कॉपी अगर आप इस तरीके से कॉपी करेंगे इस पर भी मैं बल्कि कॉमेंट करके लिख देता हूँ कॉपी बाई रेफरेंस ठीक है से होता है शायद रेफरेंस आई एम बैड विद स्पेलिंग्स ठीक है जी तो ये जो तरीका है ये कॉपी बाई रेफरेंस है ठीक है और ये वाला जो है ई एस फाइव ये क्लोनिंग है और क्लोनिंग कौन सा ई एस फाइव वे सही है ये वाला जो है वो क्लोनिंग है और कौन सा वाला है ई एस सिक्स वे सही है ई एस सिक्स के तरीके से ये जो तीन डॉट है दिस इज एन स्प्रेड ऑपरेटर और ये ई एस सिक्स से पहले मौजूद नहीं था अच्छा अब यही काम मैंने क्या करना है यही काम जो है मैंने अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी करना है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जैसे कि मैं उसी बल्कि एक नया बना लेता है मैंने कहा लेट स्टूडेंट इक्वल्स और एक ऑब्जेक्ट मैंने कहा नेम इक्वल टू जॉन रॉल इक्वल्स ट्वेंटी थ्री सही है एज थर्डी और क्या लिख देते हैं हम इसका सब्जेक्ट साइंस ठीक है जी तो अब मेरे पास ये एक अदद ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर चार प्रॉपर्टीज हैं और अब मैं क्या करता हूँ इसका एक कॉपी बना लेता हूँ मैं कहता हूँ लेट स्टूडेंट कॉपी इक्वल्स टू स्टूडेंट ठीक है तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ ये भी मैं कॉपी बाई रेफरेंस कर रहा हूँ सही है कॉपी बाई रेफरेंस करने से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बनती है और मैं दोनों को अब कॉन्सोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ यहाँ पे। सही है एक तो स्टूडेंट को करवा लेता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग सही है और दूसरा मैं करवा देता हूँ स्टूडेंट कॉपी को कॉन्सोल डॉट लॉग सही है इन दोनों को मैंने कॉपी दोनों को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ज़रा देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये ओए व्हाट वर्ज डैट स्टूडेंट्स ओके मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया गलती से ये सिर्फ स्टूडेंट है सही है जी तो ये मेरे पास स्टूडेंट दिख रहा है और ये मेरे पास स्टूडेंट की कॉपी दिख रही है आप देखें दोनों के अंदर सेम चीज़ मौजूद है ठीक है अभी तक तो सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड ही चल रही हैं और <coughs> अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उसके अंदर मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस ठीक है मैंने ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज किया है मैंने कॉपी के अंदर चेंज नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिकली ये चेंज कॉपी में भी अडॉप्ट हो जाएगा सही है और अब मैं इन दोनों को दोबारा से कॉन्सोल करवाता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं कॉन्सोल और भी ऐड कर देता हूँ आफ्टर अपडेटिंग औरिजिनल ऑब्जेक्ट और जी नो सही है आफ्टर अपडेटिंग औरिजिनल ऑब्जेक्ट मैंने इसको क्या किया अब वंस अगेन दोनों के दोनों को मैंने प्रिंट करवा लिया यानी कि स्टूडेंट को और स्टूडेंट कॉपी को ठीक है और मैं ये जानता हूँ कि स्टूडेंट कॉपी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉपी ये एक इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं है ये स्टिल जहाँ से मैंने उसको कॉपी किया है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है ठीक है तो मैं इधर आता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें ये ओरिजिनल स्टूडेंट ये स्टूडेंट की कॉपी ठीक है उसके बाद चेंज करने के बाद ये ओरिजिनल स्टूडेंट और ये ओरिजिनल स्टूडेंट की कॉपी ठीक है तो आप देखें ये कंप्यूटर साइंस हो चुका है ये ठीक है आ, दोनों में कंप्यूटर साइंस हो गया हालांकि दोनों में नहीं होना चाहिए था अच्छा आप एक चीज़ और भी नोट कर रहे होंगे कि ये ऊपर वाले में भी कंप्यूटर साइंस यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है तो असल में होता क्या है कि ना हम जब इसको आ, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं ना तो जिस वक्त हम इसको ओपन करते हैं तो उस वक्त की वैल्यू दिखाता है ये तो इस तरह का कुछ सीन है इसके अंदर ठीक है आप देखें यहाँ पे पहले साइंस लिखा हुआ था लेकिन जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा ना तो ये कंप्यूटर साइंस हो जाएगा ठीक है तो आ, मतलब इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है असल में वो क्या करता है कि कौनसोल का फीचर है कि जब इसको खोलता हूँ ना तो ये करंट वैल्यू यहाँ पर दिखा देता है कि अभी क्या है तो इसको मैं बंद ही रखता हूँ ताकि आपको साइंस और साइंस दिखे और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस दिखे ठीक है तो आपने देखा वो दोनों में चेंज आ गया लेकिन अगर मैं दोनों में चेंज नहीं लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं इसको क्लोन करूंगा ठीक है अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ क्लोनिंग ई एस फाइव वे सही है तो ई एस फाइव में जो क्लोनिंग का तरीका है वो क्या है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ठीक है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन अभी मैं भी भूल गया चलता कैसे था टारगेट और सोर्स राइट टारगेट कॉमा सोर्स एक मिनट टारगेट और सोर्स कैसे था मिनट मैं भी भूल रहा हूं इसका चलो हम करके देख लेते हैं एक में इसमें एम ऑब्जेक्ट देना होता है और एक में देना होता है जो आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो देना होता है ठीक है वो मतलब अब एक टारगेट होता है एक सोर्स होता है अगर इसको आप अपोजिट कर देना तो वो फिर अलग नहीं होता फिर क्लोन नहीं होता वो फिर स्टिल कॉपी ही रहता है वो अच्छा तो ये सही हो गया मतलब यही था कि पहले वाले में एम ऑब्जेक्ट डलेगा और दूसरे वाले में ये डलेगा वेल तो ये ई एस सिक्स का ई एस फाइव का तरीका हो गया ई एस सिक्स में नस्बता यह काम करना आसान है सही है क्योंकि ई एस सिक्स में आसान इस वजह से है क्योंकि डॉट 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 स्टूडेंट ठीक है तो ई एस सिक्स में इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जैसे ये काम एरे में होता है वैसे ही सेम तरीके से ये काम ऑब्जेक्ट में हो जस्ट ये ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट चेंज है उस उसमें स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें ऑब्जेक्ट वाली ब्रैकेट है लेकिन मोर और लेस ये तरीका ई एस सिक्स में जो है वो क्या है सिमिलर है ऑब्जेक्ट <coughs> से और, एर, और एरे और ऑब्जेक्ट से ठीक है तो जैसे ही मैं ये वाला काम कर देता करते तो आप नोट करेंगे और हमने करना ई एस सिक्स वाला ही तरीका ई एस फाइव तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि पहले इस तरह से किया जाता था इसको ठीक है रिफ्रेश किया है मैंने तो आप देखें कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस ठीक है यहाँ पे भी जो कॉपी बनी है उसमें भी क्या हुआ है वो वो चेंज आ, नहीं आया और यहाँ पे भी चेंज नहीं आया क्योंकि अब की बार जो ये कॉपी बनी है दिस इज एन इंडिपेंडेंट कॉपी ठीक है तो ये हमने क्या सीख लिया कि एरे की क्लोनिंग और हमने ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग ये दोनों चीज़ हमने इस पॉइंट पर हमने डिस्कवर कर ली कि कैसे होती है ठीक है जी अच्छा अब हम ये देखने जा रहे हैं आगे कि एरे का तो हमने यूज़ केस जो देखा था वो बहुत ही अच्छे से डिस्कवर किया था हमने कि एरे का यूज़ केस जो है ना वो फॉर लूप के साथ साथ रहता है हमेशा ठीक है जहाँ पे लूप होगा वहाँ पे एरे होगा क्योंकि एरे पे ही आइट्रेट किया जाता है लूप के ज़रिए ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट का जो यूज़ केस है ये क्या है और कहाँ पर यह यूज़ होता है किस तरह से ये यूज़ हो रहा होता है ठीक है तो हम इसके लिए क्या करते हैं एक दूसरी हमें एप्लीकेशन बना लेते हैं ठीक है हमने कहा कि ई एस सिक्स वेदर एप विथ ऑब्जेक्ट्स जे एस सही है तो मैंने कह दिया कि भाई हम एक वेदर ऐप बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर आके मैंने क्या कर दिया पहले से लिखी हुई तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एच वन ई एस सिक्स ऐप ठीक है ई एस सिक्स लिखने का मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा कोड नहीं होगा जो ई एस सिक्स वाला ना हो मतलब नया वाला कोड लिख रहे हैं हम सारा इसमें अच्छा यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक अदद मैं फॉर्म बना लूँगा फॉर्म मैं कैसे बनाता था इनपुट आउटपुट वाली क्लास में हम ये बात पढ़ चुके थे कि फॉर्म ऐसे बनता है भाई ठीक है तो मैंने ये फॉर्म बना लिया और ये पूरा का पूरा ये कोड मैं उठा के ले आता हूँ वहाँ से ठीक है तो ये एक्चुअली इनपुट आउटपुट जो वो क्या होता है सेम ही होता है हमेशा एक बॉयलर प्लेट कोड है जैसा कि मैंने उस ये जब पढ़ रहे थे हम उस वक्त भी मैंने बताया था तो ये एक बॉयलर प्लेट कोड है तो इसको ज़रा हम चला के देख लेते हैं कि ये किस तरह का मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन पर राइट नाउ ठीक है तो मुझे कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है ठीक है अच्छा अच्छा मेरे केस में अभी यहाँ पे दो इनपुट बॉक्सेस हैं लेकिन वेदर ऐप बनाने के लिए मुझे दो इनपुट बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है ठीक है मुझे सिर्फ एक चाहिए जिसका नाम मैं रखूँगा सिटी नेम ठीक है सिटी नेम लिखे बंदा और उसको वेदर मिल जाए इनपुट की जो टाइप है वो मैं रखूँगा टेक्स्ट सही है और इसकी आई डी रखूंगा मैं सिटी नेम ठीक है और ये जो सेकंड वाला इनपुट है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ उसके बाद जो मेरा सबमिट का बटन है इसको मैं क्या लिखूँगा डू सम नहीं लिखूँगा दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू सम गेट वेदर ठीक है ये मैं लिखूँगा अच्छा किसी ने भी अगर ये इनपुट आउटपुट वाली क्लास मिस कर दी थी तो वो उसकी रिकॉर्डिंग जाके देख सकता है वो इस प्ले लिस्ट में मौजूद है इसी वीडियो वाली प्ले लिस्ट में तो आ, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये फॉर्म क्या है ऑन सबमिट क्या है या रिटर्न फॉल्स क्या है तो ये सब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे और ये फॉर्म कैसे बनता है और कैसे काम करता है हम फॉर्म का इस्तेमाल इन द फर्स्ट प्लेस करते ही क्यों हैं ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था ठीक है क्योंकि हम वैसे भी अगर इनपुट बना देना तो टेक्स्ट बॉक्स तो बना हुआ आ जाता है लेकिन फिर हम फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो ये भी हमने उस क्लास में डिस्कस किया था तो किसी ने अगर वो मिस कर दिया तो वो जाके देख सकता है अच्छा फंक्शन का नाम डू सम था लेकिन इस दफ़ा मैं फंक्शन का नाम भी चेंज करूँगा रेलिवेंट नाम होना चाहिए तो मैंने कहा भाई गेट टर ठीक है और जहाँ पे नीचे फ़ंक्शन वो बना हुआ था वहाँ पे भी ज़ाहिर है जिस नाम से बनाऊँगा उसी नाम से कॉल करूँगा तो कॉल जब मैंने ऐसे किया है, तो बनाना भी मुझे फिर उसी नाम से पड़ेगा और एक मेरे पास क्या है रिजल्ट मौजूद है एक अदर ठीक है जो कि एच वन है इस वक्त अच्छा ये कौनसोल की मुझे ज़रूरत नहीं है अच्छा अब फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है मुझे वो वैल्यूज़ डिटेक्ट करनी होती है उठानी होती है तो मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा सिटी नेम और सिटी नेम में से मैं वैल्यू उठा के इस सिटी नेम के वेरिएबल में रख लूँगा इसको मैं कॉन्स्ट भी बना सकता हूँ ठीक है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा इस थ्रू आउट द फंक्शन ये सिटी नेम को मैं दोबारा चेंज नहीं करूँगा तो मैं इसको कॉन्सटेंट भी बना सकता हूँ ठीक है अच्छा इस पॉइंट पे मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ लेकिन इस दफ़ा मुझे नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है सिटी नेम जैसे कि कराची इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है अच्छा ये भी मैंने रोक दिया आ... बस अब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में रोक दी अच्छा अब ये सिटी का नाम उठा तो लिया है मैंने अब अगला काम मैंने क्या करना है अगला काम मैंने ये करना है कि इस सिटी के नाम को मैंने इंटरनेट पे भेजना है और इंटरनेट से मैंने वेदर गेट करना है ठीक है अच्छा तो इंटरनेट से जब भी मुझे इस तरह की कोई चीज़ गेट करनी होती है तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता है डिफरेंट ए प्रोवाइडर्स होते हैं ठीक है डिफरेंट ए प्रोवाइडर होते हैं जो कि ज़ाहिर पेड होता है वेदर का डेटा गेट करता हूँ अगर मैं इंटरनेट से तो वो फ्री नहीं होता वो पेड होता है लेकिन हमारे पास कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो छो, छोटा मोटा ट्रेल देते हैं वेदर नो ओपन वेदर ऐप ठीक है ओपन वेदर मैप इज़ वन ऑफ दोज प्रोवाइडर जो कि आपको थोड़ा सा ट्रेल देते हैं ठीक है इसमें जाके सबसे पहले आपको क्या करना है साइन इन करना है ठीक है जी साइन इन ओके मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैंने साइन इन कर लिया उसके बाद आपने कहाँ पर जाना है उसके बाद आपने जाना है ए पी आई की पे ए पी आई की मेरे पास ये गदतर पहले से बनी हुई है तो मैं क्या कर देता हूँ ए पी आई को यहाँ ए पी आई की को पहले तो कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ सही है मैंने कहा कॉन्स्ट ए पी आई ए पी आई की इक्वल्स ठीक है तो ये मेरी ए पी आई की है मैं यहाँ पे लेकर आ गया ठीक है ये ए पी आई की आपको अपनी जनरेट करनी है मेरी वाली ए पी आई की आपके पास काम नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड होता है आप दो चार रिक्वेस्ट करेंगे वो बंद हो जाएगा फिर ठीक है और मैं अगर यहाँ से मैं री जनरेट करूँगा तो वो आपका वैसे ही चलना बंद हो जाएगा तो कोशिश की ये कीजिएगा ये ए पी आई की आप ख़ुद से साइन अप करें यहाँ पर और ये ए पी आई की खुद की जनरेट करें अच्छा उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे ए पी आई पर ठीक है अच्छा ए पी आई पर इनके पास बहुत सारे मुख्त कस्म की ए पी आई है लेकिन मुझे चाहिए करंट वैदर डेटा ठीक है और इसकी मैं ए पी आई डॉक्यूमेंटेशन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं इसकी ए पी आई डॉक्यूमेंटेशन में चला जाऊँगा तो ये मुझे कह रहा है कि आप क्या करोगे आप ऐसे करके यू आर एल होगा इस पर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है ठीक है तो ये यू आर एल भी मैं यहाँ पर ले कर आ जाता हूँ अच्छा और इस यू आर एल में ये कह रहा है कि आपने क्या भेजना है लेटीट्यूड भेजना है और लॉन्गिट्यूड भेजना है और ऐप आई डी भेजनी है ठीक है ऐप आई की जगह पर तो मैं क्या भेज दूंगा मैं ये ए की भेजूँगा लेकिन लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड तो मेरे पास नहीं है ठीक है लेटीट्यूड और लॉन्गी मेरे पास नहीं है <coughs> तो मुझे सिटी का नाम भेजना है इसके अंदर एक्चुअली तो सिटी का नाम भेजने का कोई तरीका इन्होंने नहीं बताया अच्छा ये शायद डॉक्यूमेंटेशन में कोई ग्लिच आ गया इनके डॉक्यूमेंटेशन में इनके कोई ग्लिच आ गया यहाँ पे एक सिटी नाम सिटी का नेम बताने का भी तरीका था यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं किसी दूसरी एपीआई में चलता हूँ ना फोर आवर के फोरकास्ट में चलता हूँ एपीआई डॉग वो असल में इंटरनली तो एक ही होती है सारी ना ये क्या बकवास है, है एड्रेस असल में एड्रेस बताने का एक ऑप्शन होता है इस पर ना ये क्या बकवास है यार नहीं इनकी ए पी आई में ना कोई इनके डॉक्यूमेंटेशन में ये ग्लिच कर दिया इन्होंने तो मैं अलग से Google गूगल कर लेता हूँ इसको ये मेरा ख़्याल है वक्ती तौर पे कुछ हुआ है ये सही कर देंगे बाद में इसको वेदर बाय सिटी नेम राइट तो यहाँ पे किसी ना किसी ने ये तो इधर आ रहा है सिटी नेम अच्छा एक्सेस करंट डेटा ऑफ टू था टू लैक सिटीज वी कलेक्ट वैदर दिस 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 नहीं भाई वो सिटी का नाम बताऊंगा कैसे मैं अच्छा ऐसे करके बताऊंगा मैं क्यू और सिटी नेम सही है ऐसे करके बताऊंगा। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में पता नहीं क्यों ये कोई ग्लिच आ गया उनके शायद में भी अच्छा तो मैं ऐसे करके बताऊंगा यू ठीक <coughs> हो गया तो मैंने अब क्या करना है मैंने अब ये यू तैयार कर लेना है मैंने कहा कॉन्सटू आर एल इक्वल्स टू ठीक है एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लेश पी आई डॉट ओपन वैदर मैप डॉट कॉम डॉट ओ आर जी स्लेश डेटा स्लेश टू पॉइंट फाइव स्लेश वैदर क्यू टू सिटी नेम ठीक है तो अब मैं इसकी जगह पे कैसे भेज सकता हूँ क्योंकि मेरा ई एस सिक्स का टेम्पलेट है ना तो मैं ऐसे सिटी नेम इसको बता सकता हूँ राइट सिटी नेम मैंने यहाँ पे बता दिया ठीक है और ऐप आईडी की जगह पे मैं क्या बता देता हूँ ये एपीआई की मुझे बतानी है यहाँ पे सही है एपीआई की आ गई तो अब मैंने ये एक स्ट्रिंग का यूआरएल एक बना लिया इसको जरा मैं कंसोल करा के देखता हूँ कि ये जो मैंने सोचा है बिल्कुल उसी तरह से ये बन रहा है या नहीं बन रहा मैंने कहा कि यू आर एल इक्वल्स टू यू आर एल सही है ठीक है इसको चला के देखते हैं ज़रा कैसा दिख रहा है ये रिफ्रेश तो मेरे पास अब कुछ इस तरह का ये डेटा नज़र आ चुका है अब यहाँ पे मैं अगर कराची लिख के <coughs> गेट वेदर का बटन दबाता हूँ तो मेरा जो यू तैयार हुआ है वो सही यू तैयार हुआ है ए पी आई ओपन वेदर वेब डॉट कॉम स्लैश वेदर क्यू इक्वल्स कराची और ऐप आई डी और ये आगे लम्बा सा ऐप ये अधूरा क्यों प्रिंट हुआ है ये क्या बकवास है यार आधा प्रिंट हुआ है ठीक है अच्छा देखो इस यू पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना तो मुझे कराची का वेदर इसने बता भी दिया ठीक है वेल अभी हम प्रोग्रामेटिकली कॉल करेंगे पता नहीं क्यों आधा प्रिंट कर रहा है इसको हालांकि पूरा प्रिंट करना चाहिए वेल तो अब हमने क्या करना है अब हमने इस यू के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसको रिक्वेस्ट को भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा मुझे चाहिए होगी एक अदद लाइब्रेरी दैट इज़ कॉल्ड एग्जियोस ठीक है एग्जियोस एक लाइब्रेरी है जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करने के काम आती है ठीक है वैसे हमारे पास एक फैच भी है जो जावा स्क्रिप्ट का बिल्टन है लेकिन असल में मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या सीख लें आप लाइब्रेरी अटैच करना भी सीख लें ठीक है ये एक्सियोस एक, एक लाइब्रेरी है इसमें मैं गेट स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो मुझे ये यहाँ पर लेकर आ गया ठीक है तो इसको इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके मौजूद हैं अच्छा मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगा मैं ये वाला तरीका यूज़ करूँ अच्छा ये भी दो है स्क्रिप्ट का टैग भी ना तो मैं ये नीचे वाला लगा लूँ या ऊपर वाला लगा लूँ एक ही बात है मैं फिलहाल ये नीचे वाला लगा लेता हूँ ठीक है एक ही बात है कोई फ़र्क नहीं है ठीक है अगर मैं नॉर्थ जे में हूँगा तो मैं एन इंस्टॉल करूँगा लेकिन फिलहाल मैं नॉर्थ जी में नहीं हूँ फिलहाल मैं फ्रंट एंड के ऊपर हूँ ठीक है तो ये जो भी आपको इसमें से सूटेबल होगा आपके केस में क्योंकि ये नॉर्थ जी पे भी चल जाता है ये ब्राउजर पे भी चल जाता है सब जगह चल जाता है तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने अब क्या करना है अपने कोड के टॉप में आके हेड के अंदर आके यहाँ पर मैंने इस स्क्रिप्ट को लोड कर लेना है ठीक है इस स्क्रिप्ट को आप नीचे भी लगा सकते हैं मतलब अपनी वाली स्क्रिप्ट के बाद भी लगा सकते हैं लेकिन बेहतर ये कि आप इसको टॉप पर ही लगाना है ठीक है क्योंकि लाइब्रेरी है पहले लोड हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रिप्ट को टॉप पे लगाना ज़्यादा बेहतर है या बॉटम पे लगाना ज़्यादा बेहतर है तो आई गेस इसका आपको आइडिया होगा पहले से ही <coughs> अच्छा तो अब मैंने क्या करना है जैसे ही मैं वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर दूँगा ना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ मैं एग्जीस की लाइब्रेरी को यहाँ पर अब चला सकता हूँ तो मैं एग्जाम्पल्स में जाता हूँ ठीक है एग्जाम्पल्स में जाके मैं देखता हूँ कि अच्छा यार इसको यूज़ कैसे करना है ठीक है तो इन्होंने मुझे एग्जाम्पल में ये तरीका बताया है इसको यूज़ करने का कॉपी किया मैंने यहाँ पर आया इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है तो एग्जीस्ट डॉट गेट और उसके बाद इसने बोला कि भाई यू आर एल मुझे बता दो तो यू आर एल मेरे पास ये मौजूद है पहले तो यू आर एल मेरे पास ये मौजूद है पहले से ये जो मैंने ये बनाया यू आर एल तो इस यू आर एल पर मैंने रिक्वेस्ट कर दी ठीक है डॉट देन डॉट कैच और ये लास्ट वाले देन की मुझे ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अगर इस ए पी आई से जो रिस्पॉन्स आएगा वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा तो ये देन रन होगा ठीक है अगर एरर आ जाएगा तो ये कैच रन होगा ठीक है तो मैं अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाता हूँ कॉन्सोल पर मैं कहता हूँ कि भाई आम, कौंसोल um. लॉगम सक्सेस रिस्पॉन्स ठीक है यानी रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया है और कॉन्सोल डॉट लॉग पर मैं करता हूँ कि क्या बोलो रिस्पॉन्स डॉट डेटा कि रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आया है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो ठीक है तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे क्या दे रहा है डेटा ठीक है जी और दैट्स इट तो अब इसको हम ज़रा चला के देखते हैं कि क्या होता है ओ ओ क्लियर रिफ्रेश और अब मैंने यहाँ पे कराची लिखा और गेट वेदर किया तो इसने देखे मुझे सक्सेस रिस्पॉन्स के बाद ये डेटा जो प्रिंट किया है इसने ये इसमें मुझे बता रहा है कि कराची का टेम्परेचर इस वक्त क्या है टू नाइनटी सिक्स है सही है और ह्यूमिडिटी 29 है मैक्सिमम और मिनिमम भी ये कैलविन में बता रहा है अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे एपीआई में बताया हुआ है कि यूनिट्स मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेंगे ना अभी ये असल में इम्पीरियल में लेकर आ रहा है ये शायद पता नहीं स्टैंडर्ड में लेकर आ रहा है तो मुझे मैट्रिक वाला चाहिए सो ये यूनिट मुझे क्या चाहिए मैट्रिक चाहिए एम ई टी आर आई सी तो मैं यहाँ अपने यू आर एल में ना ये भी ऐड कर दूँगा एम परसेंट यूनिट्स इक्वल्स टू मैट्रिक सही है ताकि मुझे ये ना मैट्रिक वाले में ला कर दे जो नया वाला जो है ना जो सेंटीग्रेड वाला जो तरीका है उसमें मुझे ला कर दे, ये, राइट मैंने क्लियर किया मैंने कहा कराची और गेट वेदर तो अब मुझे देखेंगे क्या ला कर दे रहा है सेंटीग्रेड में ला कर दे रहा है कि इस वक्त आपको, uh, like 23 आपको फील्स लाइक 23 सेंटीग्रेड एक्चुअल टेम्परेचर है 23.9 और मैक्सिमम आज के दिन जो रहा है वो 23 रहा है और मिनिमम भी आज के दिन 23 ही रहा है ठीक है अच्छा ये जो वेदर का डाटा है ये हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा ये भी चीज़ समझने वाली है क्योंकि वो टाइम uh, वेदर जो है ना वेदर की ऐप गलत बता रही होती है क्योंकि देखें अभी मेरे पास जो ये शो हो रहा है वेदर वो तो ट्वेंटी सेवन हो रहा है राइट अच्छा ट्वेंटी सिक्स हो रहा है मेरे पास और यहाँ पे मुझे ये वेदर ऐप बता रही है ये एप्पल वालों की कि हाईएस्ट आज 31 रहा है और लोएस्ट आज 16 रहा है ठीक है तो क्लियरली ये जो डेटा है ये गलत है लेकिन ये आ, सम समाइम ज़ाहिर गलत आता है एपीआई से हमेशा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलेगा ठीक है अगर मैं किसी और जगह का लिखूँ लाहौर का लिखूँगा एंटर करूँगा तो ये मुझे क्या दे देगा लाहौर का डेटा दे देगा ठीक है इसने बोला है कि भाई लाहौर में आज फील्स लाइक ट्वेंटी और मैक्सिमम आज ट्वेंटी रहा है और मिनिमम आज सेवेंटीन रहा है ठीक है तो इस तरह से मुझे ये डेटा ला कर दे रहा है पूरी दुनिया का ही डेटा ये मुझे ला कर देता है और आपको जैसा कि पता होगा कि डिफरेंट वेदर चैनल्स जो हैं जैसे अभी मैं अगर इसकी ऐप में देख रहा हूँ ना तो मुझे ट्वेंटी सिक्स बता रहा है लेकिन अगर याहू वेदर पे मैं चेक करूँगा या अक्कू वेदर पे मैं चेक करूँगा तो हर वेदर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है अब वो क्यों होता है ये एक लंबी कहानी है कि डिफरेंट वेदर चैनल्स होते हैं और वो वेदर का डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं मिसाल के तौर तो पर कराची के अंदर जगहों पर मुख्तलिफ टेम्परेचर हो सकता है ठीक है तो वो उसको कैसे ये मैनेज कर रहे होते हैं तो इसके लिए ना वेदर चैनल्स बने हुए होते हैं तो आप इसको अलग से गूगल कर सकते हैं कि वेदर चैनल्स जो है वो काम कैसे करते हैं हमारा जो पाकिस्तान में ऑफिशियल वेदर चैनल है वो है आपका महक् मौसमियात ठीक है तो उन्होंने महक्म मौसमियात ने कराची में और डिफरेंट सिटीज़ में अपने टावर बनाए हुए हैं अपना ऑफिस बनाया हुआ है ठीक है और वहाँ पर उन्होंने डिवाइस लगाई हुई हैं ऐसे लंबा सा मीनार बना के डिवाइस लगाई हुई है वहाँ से वो टेम्परेचर ले रहे होते हैं हर वक्त ना और उसको फिर वो एक चैनल के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स को और डिफरेंट इस तरह के ओपन वेदर वालों को भी शायद दे रहे होते हैं वो ठीक है तो इसी तरह दुनिया का जो सबसे बड़ा वेदर चैनल है वो है दी वेदर चैनल सही है ये आई वाले इसको ओन करते हैं ये इस तरह का इसका लोगो होता है तो दी वेदर चैनल जो है वो सबसे बड़ा वेदर का चैनल है ये आई वालों के यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने आई बी बिज़नेस है ये ठीक है तो मतलब एप्पल की जितनी भी डिवाइस हैं उसमें जो वेदर आ रहा होता है वो यहाँ से आ रहा होता है इनके पास से आ रहा होता है ठीक है उन्होंने डिस्क्लोज भी किया हुआ है कि हाँ भाई हम इन्हीं से लेते हैं इसी तरीके से गूगल पर जब आप लिखते हैं ना कि भाई वेदर लिखते हैं आप ठीक है तो ये भी कहाँ से आ रहा होता है वैदर डॉट कॉम से आ रहा होता है ठीक है तो ये सबसे बड़ा वेदर चैनल है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इस पर किया जाता है तो ये इस वक्त बता रहा है कि भाई 25 डिग्री चल रहा है आपके पास ठीक है यहाँ पे बता रहा है ट्वेंटी सिक्स हालाँकि दोनों लोग एक ही जगह से वेदर लेकर आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप देखें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में ठीक है ये कह रहा है कि ट्वेंटी सिक्स है और ये कह रहा है कि यार नहीं ट्वेंटी फाइव हो चुका है अभी ठीक है तो हमने देखा वो एक ही जगह से दोनों लेकर आ रहे हैं उसके बावजूद भी क्या है दोनों के डेटा में डिस्टेंस है Uh, क्या कह रहा है ये अपियर डू ऑन ओके अच्छा जी तो अब हमने अगला काम क्या करना है हमने वेदर तो उठा के लेकर आ गए हम ए से और वेदर हमारे पास यहाँ कॉन्सोल प्रिंट हो रहा है लेकिन आप अगर गौर से देखें इसको तो ये जो वेदर प्रिंट हो रहा है ये जो वेदर मेरे पास आया है इंटरनेट से ये कौन सी फॉर्म में है कौन मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जैसन ऑब्जेक्ट ये जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ठीक है तो इसका मतलब है कि मैं जो प्रिंट करवा रहा हूँ इस वक्त मैं प्रिंट करवा रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट बेस अगर मैं लिखूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ठीक है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम लिखूँगा तो मुझे लाहौर मिल जाएगा तो मैं काम करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाता हूँ पहले तो ठीक है तो मैं ये करता हूँ अच्छा मुझे ना ये काम अब देन के अंदर करना होगा ठीक है क्योंकि ये तो चल के खत्म हो गया इंटरनेट से रिस्पॉन्स आने में एक से दो सेकंड भी सम टाइम लग सकते हैं तो यहां पे देन के अंदर मुझे वो काम करना है अब मजीद जो भी यानी इसके रिस्पॉन्स के आने के बाद जो काम करना है वो मुझे यहाँ करना है क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर अगर मैं नीचे करूँगा तो वो काम Uh, रिस्पॉन्स वहाँ पर आया ही नहीं होगा उस वक्त तक तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मेरे पास जो ये था ना रिज़ल्ट uh, का एक जो एच वन हेडिंग बनाई हुई मैंने उसको आई डी दी हुई रिज़ल्ट मैं उसके अंदर ये प्रिंट करवाऊँगा मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैंने कहा कि भाई हैश और रिजल्ट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू रिस्पांस डॉट डेटा डॉट नेम राइट नेम था ना ने, क्या था हाँ नेम था इसको मैंने स्क्रीन पर क्या कर दिया प्रिंट करवा दिया तो अब क्या होगा कि जैसे ही बटन प्रेस करूँगा तो जब डेटा आएगा ना मेरा तो डेटा आके इस कौनसोल पर तो प्रिंट हो जाएगा कौनसोल परिंट होने के साथ साथ वो स्क्रीन पर मुझे उस सिटी का नाम भी प्रिंट करवा के दे देगा मुझे यहाँ पर राइट रिफ्रेश किया मैंने कहा लाहौर एंटर तो ये स्क्रीन पर लाहौर आ गया सही है कराची एंटर तो ये स्क्रीन पे कराची आ गया अच्छा मुझे सिर्फ नाम प्रिंट नहीं करवाना मुझे साथ साथ क्या प्रिंट करवाना है ठीक है मेन डॉट टेम्प ये भी प्रिंट करवाना है तो आ जाएँ ये भी प्रिंट करवा लेते हैं ठीक है मैंने कहा प्लस इक्वल्स टू जो पहले से है उसको भी रखो मैंने कहा कि भाई डॉट मेन डॉट टैंप सही है रिफ्रेश कराची एंटर ठीक है कराची और ट्वेंटी थ्री भी साथ साथ ही प्रिंट हो गया मुझे इस तरह नहीं करवाना मुझे एक नई लाइन में करवाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके इस इसको एक बी आर दूँगा मैं यहाँ पर मैं कहूँगा भाई बी आर हो जाओ सही है बी आर का मतलब क्या होता है कि एक नई लाइन पर आ जाओ आप अच्छा तो मैंने यहाँ पे उसको एक बी दे दिया ताकि यहाँ पे ये लाइन चेंज कर लें रिफ्रेश कराची एंटर ठीक है तो अब कराची आ रहा है और साथ में ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन आ रहा है ठीक है लेकिन इसके साथ सेंटीग्रेड भी तो लिखा हुआ आना चाहिए ना तो वो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अब जाहिर है मुझे सेंटीग्रेड भी लिख कर देना है यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा एक टैम्पलेट बना लूँगा इसको टैम्पलेट बना लूँगा और मैं कहूँगा कि यार ओ ओ क्या कर रहा हूँ मैं कहूँगा इतनी वैल्यू है उसके बाद क्या करना है अपने बड़ा सा सी लिखना है सही है और यहाँ पे एक एफ एस ट्रॉफ़ी लगा देता हूँ मैं रिफ्रेश किया मैंने कहा कराची तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ रहा है अच्छा ये एफ़ एस ट्रॉफी जो है ना ये मैंने वैसे लिख तो दिया है लेकिन असल में तो एफ़ एस ट्रॉफ़ी नहीं होता अब वो की बोर्ड में वो गोल वाला आइकन कहाँ पर होता है मेरे की बोर्ड में तो नहीं बना हुआ तो मैं क्या करूँगा मैं कहीं पर भी जाके ना वेदर लिखूँगा और इसके साथ एक गोल सा जो आ रहा है ना ये वाला इसको मैं क्या लूंगा? कर लूँगा कॉपी कर लूँगा यहाँ से ठीक है इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया लागे सही है तो ये गोल वाला आइकन मेरे कीबोर्ड में तो नहीं है लेकिन मैं कहीं से कॉपी करके ले आया सही है तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी सोल्यूशन एंटर तो आप देखें ट्वेंटी थ्री सेंटीग्रेड प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मेरे पास ठीक है अच्छा अब मैं क्या करूँगा मुझे उसके नीचे मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है लेकिन इतने बड़े साइज़ में नहीं दिखाना थोड़े छोटे साइज में दिखाना है तो मैं उसके लिए एक और बना लूँगा मैं मैंने कहा भाई एच हो जाओ और इसको आईडी दे दूँगा मैं सब टाइटल सही है सब टाइटल मैंने इसको आईडी दे दी मैंने कहा भाई अब आगे की जो चीज़ प्रिंट होगी ना वो होगी सब टाइटल में और सब टाइटल में मैंने क्या करवाना है temp अंडर स्कोर मेन यही था ना temp underscore min था ना मेन के अंदर temp underscore min temp underscore max सही है temp underscore min हो गया और अब मैंने क्या करना है इसी में डैश डाल के टेम्प अंडर स्कोर मैक्स कर दिया मैंने सही है रिफ्रेश कराची एंटर तो अब देखिए ये कराची ये आ गया और ये मिनिमम मैक्सिमम आ गया सही है लेकिन इसके साथ मिन मैक्स लिखा हुआ नहीं है तो शायद ये उस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो शायद मेरा ख्याल है लिख देना चाहिए इसमें मैंने कहा भाई ये मिन है और ये है आ, मैक्स सही है, मिन का भी एम कैपिटल कर देता है ठीक है तो शायद अब ज़्यादा बेहतर कुछ दिखे ये एंटर ठीक है तो मिन ट्वेंटी नाइन और मैक्स ये इसके बीच में शायद मुझे एक डैश देना चाहिए इन दोनों के बीच में सही है मच बेटर अच्छा इस तरीके से मुझे और क्या क्या मिलती हैं यहाँ से चीज़ें मुझे और यहाँ पे से चीज़ें मिलती हैं मुझे डेट मिल रहा है इस वक्त डीटी करके ये मिली सेकेंड में मुझे डेट दे रहा है ठीक है उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है प्रेशर uh, मिल रहा है ह्यूमिडिटी मिल रहा है फील्स लाइक like क्या अच्छा फील्स लाइक जो है ना एक अलगोरथम होता है कि मतलब आप ह्यूमिडिटी और ये चीज़ों को ना प्रेशर वेशर को कैलकुलेट मार के वो बताते हैं कि यार अभी आपको कितना फील हो रहा होगा हालांकि अभी एक्चुअल टेम्परेचर 23 है 23.9 है ये कह रहा हैं नहीं यार आपको ना 23.9 थ्री नहीं फील हो रहा आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड फील हो रही होगी ट्वेंटी फील हो रहा होगा ठीक है तो ये गल गौरथम है रियल फील इसको बोलते हैं हम सही है रियल फील यहाँ पे भी जैसे मैं अगर वेदर ऐप खोलूँगा ना तो यहाँ पे भी रियल फील ये मुझे बताएगा ना कि रियल फील अभी इस वक्त क्या आ रही होगी आ, यहाँ पे नहीं बता रहा यार रियल फील नहीं बता रहा बहुत सारी ऐप्स में सो बता रहा होता है रियल फील वाला भी इसमें नहीं बता रहा हाँ ये रहा ना फील्स लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स है लेकिन फील्स लाइक ट्वेंटी फाइव ठीक है अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आ, ये मुझे बता रहा है कि ये फील्स लाइक like क्या चीज़ होती है तो कह रहा है कि फील्स लाइक कन्वे हाउ वार्म और कोल्ड इट फील्स एंड कैन बी डिफरेंट फ्राम द एक्चुअल टेम्परेचर द फील्स लाइक टेम्परेचर इज़ अफेक्टेड बाई ह्यूमिडिटी एंड विंड ठीक है मिसाल के तौर पे अगर ज़ाहिर टेम्परेचर इतना नहीं है लेकिन हवाएं बहुत तेज़ तेज चल रही हैं तो आपको ठंड ज़्यादा फील होती है ठीक है तो ये कह रहा है कि ह्यूमिडिटी और विंड का जो स्पीड है ना इन दोनों चीज़ों को मिला के हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर से अगर आपको डिफरेंट फील हो रहा है तो वो क्या फ़ील हो रहा होगा वेल well. तो ये हमने एक वेदर ऐप छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी बना ली है इसमें मैंने सी का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें स्टाइलिंग वगैरह मैंने नहीं की है लेकिन आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये ऐप बनानी है अपने हाथ से और इसमें अच्छे से इसको स्टाइल करना है राइट अच्छा अच्छे से स्टाइल करने का मतलब है यार आपने वेदर ऐप आप देखी हुई है बचपन से ठीक है कोई नई चीज़ तो नहीं है वेदर ऐप तो बस आपने यहाँ पर आप जाके लिखना है जैसे अक्कू वेदर पर मैं जाऊँगा अब अगर बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है वेदर के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने किस तरह से इसको स्टाइल किया हुआ है ठीक है इस तरह से स्टाइल किया हुआ है भैया भाई करंट वेदर दिखा दे रहा मुझे यार करंट वेदर पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ मुझे वेल well, मैं कराची हाथ से लिख देता हूँ इसमें ठीक है तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है यहाँ पे ऐड भी दिखा रहा है मुझे इतना बड़ा सा ऐड दिखा रहा है कभी ना अच्छा तो ये देखें इन्होंने ना इस तरह से इस वेदर के डेटा को बताया हुआ है ठीक है ट्वेंटी फोर डिग्रीज और ये एक छोटा सा आइकन भी बना हुआ आ रहा है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू द ठीक है देखिए रियल फील यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर्ड ये आइकन बनाया हुआ है रियल फील का और कह रहे हैं कि अभी 24 है लेकिन 23 फील हो रहा होगा आपको तो आपने देखा जितने भी वेदर की मैं चैनल्स पर जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उनका जो है ना डेटा एक दूसरे से डिफरेंट है सही है तो इन्होंने इस तरह से अपने डेटा को ना डेमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है तो आप किसी भी वेदर ऐप पे जाएँ वहाँ पे से आप इंस्पिरेशन लें कि अच्छा यार इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है और आप कोशिश करें कि आप उन सब को देख एक अच्छा सा वेदर ऐप बना कर लाएँ जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो ठीक है अच्छा जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कि इससे मुतल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो अभी आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन है किसी का क्लियर है सब ठीक है जी तो ये कोड मैं कुछ कर देता हूँ क्लास कोड एंटर ठीक है जी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में चलें अल्लाह हाफिज़